जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इस शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम NCERT बुक के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं यानी इस मैटर अराउंड अस प्योर के अंतर्गत आज हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक परिवर्तन सबसे पहले देखें कि क्या है। तो अगर किसी वस्तु के भौतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है और पानी को हम गर्म किए तो भाप बन गया और फिर पानी को ठंडा किए तो बर्फ बन गया। तो पानी से बर्फ बना तो उसकी अवस्था बदल गई, पानी से भाप बना तो उसकी अवस्था बदल गई, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या जैसे मान लीजिए कोई लोहे का छड़ है, खींच करके उसकी लंबाई को बढ़ा दिए या काट करके उसकी लंबाई को कम कर दिए, तो उसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन तो हो गया लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब अगर हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखें तो रासायनिक परिवर्तन में होता ये है कि पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो या न हो, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम मोमबत्ती चलाते हैं तो मोमबत्ती जब जलती है तो मोम का कुछ भाग ऐसा होता है जो जलता है और जल करके गैस बन करके उड़ जाता है। अगर हम उसको चाहें फिर से मोम में परिवर्तन करना तो हम मोम में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर यही है कि भौतिक परिवर्तन में हम पदार्थ को उसके प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। जैसे पानी से भाप बना था और भाप को ठंडा करके फिर हम पानी में ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था नहीं लाई जा सकती। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध से दही बन गया तो यह रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम चाहें कि दही से फिर दूध प्राप्त कर दें तो यह प्राप्त करना संभव नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन चेंज हो जाता है और वह फिर से प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। मोमबत्ती का जो जलना है यह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का ही उदाहरण है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो मोम का कुछ भाग पिघल करके ठोस से द्रव में बदल जाता है और मोम का कुछ भाग ऐसा होता है जो जल करके गैस के रूप में उड़ जाता है। तो इस प्रकार आप याद रखे रहिएगा कि मोमबत्ती का जो जलना है यह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों का ही उदाहरण है। और इसी तरह से ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे लोहे में जंग का लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखे रहना है। अब इसके बाद आपको हम बता दें कि पदार्थ के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं या पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं कि वह आपको द्रव्य के बारे में बताया गया था या पदार्थ के बारे में बताया गया था कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिनमें स्थान घेरने के साथ साथ भार भी होता है तथा
उनका अनुभव हम अपने इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं तो ये द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। अब आप ऐसे देखें कि पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा मिश्रण होता है। अब शुद्ध पदार्थ में भी तत्व होता है, तो इसके बाद हम लोगों को तत्व के बारे में पढ़ना है। तत्व को हम एलिमेंट कहते हैं, हमें एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, तत्व के बारे में पढ़ना है। तो तत्व क्या है आप ध्यान से समझ लीजिए कि वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण हम, या ऐसे कह लीजिए कि वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न कर सकें और न ही उसके अवयवों को हम किसी प्रकार से पृथक कर सकें तो वह तत्व कहलाता है। जैसे मान लीजिए आयरन है, लोहा है, या इसी तरह से हम कहें कि कॉपर है, तांबा है, तो इसका निर्माण हम किसी प्रकार से कर नहीं सकते। और यही नहीं, हम चाहें कि आयरन के अवयवों को अलग कर लें तो आयरन का अवयव अलग नहीं हो पाएगा, कॉपर का अवयव अलग नहीं हो पाएगा। तो ये तत्व हैं। अब तत्व के साथ साथ हम आपको बता दें कि तत्व को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें तत्व के जो तीन भाग होते हैं इनमें पहला जो होता है वह धातु होता है, धातु जिसको हम मेटल कहते हैं। और इसके बाद इसका जो दूसरा भाग होता है उसको हम अधातु कहते हैं, जिसको नॉन मेटल कहा जाता है। अब इसी में एक थे और होता है जिसे हम उपधातु कहते हैं, उपधातु। तो उपधातु को हम मेटेलाइड कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि धातु किसे कहते हैं। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, हम आपको बता दें कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें धातु कहते हैं। और धातुओं का जो उदाहरण है, और एक चीज़ और हम आपको धातु की विशेषता बता दें कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तथा जिसमें ऊष्मा एवं विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी सरलता से होता है उसे हम धातु कहते हैं। धातु का उदाहरण ये आयरन देख रहे हैं, कॉपर देख रहे हैं, कोबाल्ट है, निकिल है, और फिर इसी तरह से ढेर सारे तत्व हैं, ये मरकरी है। तो ये सब जो है धातु के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि धातुओं की विशेषता क्या होती है। तो धातु की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि जितनी भी धातुएं होती हैं सभी चमकीली होती हैं। इसके बाद दूसरी विशेषता ये है कि अब अगर आप देखें तो चांदी सफ़ेद रंग का चमकता हुआ रहता है और सोना जो होता है वो बिल्कुल पीले रंग का चमकता होता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब धातु में बिजली बड़ी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। और याद रखे रहिएगा, चांदी में बिजली सबसे तेज चलती है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे तांबा आता है, तांबे पर विद्युत का प्रवाह चांदी से कम होता है। और फिर एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पर आता है, एल्यूमिनियम में विद्युत धारा का प्रवाह उससे भी कम होता है। अब इसके बाद अन्य सब तत्व आते हैं। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब इनको गर्म करके इसको खींचा जा सकता है, खींचा जा सकता है मतलब धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं। और यही नहीं,
धातुएं आघात वर्ध होती हैं। आघात वर्ध का मतलब जब धातुओं को पीटा जाता है ना, तो पीटने के बाद ये फैलने लगती हैं। और एक चीज और हम आपको बता दें कि इनसे विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। किसी भी धातु को पीटते हैं तो टन टन की आवाज़ उत्पन्न होती है, तो ये धातुओं की विशेषता होती है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अधातु। तो अधातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको अधातु कहते हैं। और अधातुओं में विद्युत धारा या उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। अगर हम अधातुओं का उदाहरण देखें तो देखें, अधातुओं में हाइड्रोजन अधातु है, इसके साथ साथ क्लोरीन अधातु है, फ्लोरीन अधातु है, ब्रोमीन अधातु है, आयोडीन अधातु है, सल्फर अधातु है, फास्फोरस अधातु है। तो ये सब अधातुओं के उदाहरण हैं। अब इन अधातुओं के अंदर लक्षण क्या होता है? तो धातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुओं के अंदर तो विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातुओं के अंदर विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अधातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अधातुएं उष्मा की भी कुचालक होती हैं। और इसके साथ साथ अधातुएं ये तन्य नहीं होती, यानी धातुओं को पिघला करके खींचा नहीं जा सकता। और इसके साथ साथ ये चमकीली तो होती ही नहीं है। और फिर जो है, अधातुओं को पीटने पर इससे विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो ये अधातुओं के लक्षण रहे। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आता है, यह उपधातु है जिसको हम मेटेलाइड कहते हैं। और उपधातु को हम मेटेलाइड कहते हैं। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि उपधातु किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं उनको हम उपधातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बोरान, बोरान जो है उपधातु है। इसके साथ साथ सिलिकन, सिलिकन भी उपधातु है। जर्मेनियम, जर्मेनियम भी उपधातु है। तो ये सब उपधातु के उदाहरण हैं। तो आज के वीडियो में आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तत्व और तत्व के तीन प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु तथा उनके लक्षण के बारे में बताया गया। और हमें उम्मीद है कि इतनी सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।